वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब फार्म देखकर आप लोग समझ गए होंगे हम लोग कहाँ आए हैं। अभी हम आए हैं एआर मानी के फार्म पे, ये करीम कॉटन कैटल फार्म। तो यहाँ आने का रीज़न ये है कि हमने दो बच्चे सीज़न में इनको दिए थे पालने के लिए, क्योंकि सीज़न में हमारे पास जगह नहीं थी माशाल्लाह से। हमारे पास अपने ही माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे थे सीज़न के टाइम पे। तो हमने ये दो बच्चे लिए थे, नवाब और बुराक, जो कि हमने इनको दिए थे पालने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से वाइट वाला नवाब और ये बुराक। ये देखिए माशाल्लाह से बकराईद से बाद दिए, बकराईद से सीज़न से पहले दिए थे, बीच में ही दिए थे हमने तकरीबन इनको। फार्म पे इतनी जगह नहीं थी और लंबी वाला चक्कर भी चल रहा था, तो हमने सोचा कि पलाई पे दे दिया जाए, क्योंकि हमने इनको यार मानी को एक बच्चा हमने उनसे पहले भी लिया था जिसका नाम नवाब था। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। वो हमने इरफान भाई से लिया था, वो यहीं पर पल रहा था नवाब, तो इंशाल्लाह वो उसको ही अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। फ़िलहाल ये बच्चे दिखा देता हूँ बुराक और नवाब को। वो देखें माशाल्लाह से मस्तियाँ कर रहे हैं नवाब भाई। नवाब तो आपने देख लिया, अब ये बुराक देखें, ये हाथ में नहीं आ रहा भाई, फ़िलहाल आगे पीछे हो रहा है। असल में डक के अंदर खुला छोड़ा ना, तो बाहर निकलवाया इसको। छोड़ दे खुला, छोड़ दे, कहाँ जाता है। ये देखें भाई फुल मस्तियाँ। चलो आपको इनकी कलेक्शन भी दिखा देता हूँ। वैसे तो हमने आज तक वीडियो में ही देखे हैं, क्योंकि सीज़न के बाद से मेरा ये पहला चक्कर है और मैं तीन बार आ चुका हूँ, मेरी तीनों बार मुलाकात नहीं हुई है, ना मानी भाई से हुई है, ना समीर से हुई है। तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि मैं बता कर आया हूँ, वैसे तो मैं ऐसे ही आ जाता था। इनकी कलेक्शन भी देख लें माशाल्लाह से। मुझे सबसे अच्छा ये वाला बच्चा लग रहा है इससे माशाल्लाह से, कि एक हाँ अलग है और दूसरी अलग है। ये देखें यहाँ से वाइट और यहाँ से माशाल्लाह। अफलातून यही है ना हमका, यही है अफलातून। ये ठाकुर कौन है? कौन लग रहा है? मोगेम्बो खुश हुआ। अच्छा मोगेम्बो लग रहा है। दिखा देता हूँ आपको भाई, लात नहीं मारना है। यहाँ भी वाइट ब्यूटीज खड़ी हुई है काफी ज्यादा। ये पिंकी की तरह लग रहा है, देख हमजा एक बच्चा मिला है मुझे, देख बिल्कुल पिंकी की तरह लग रहा है। ये वाला देख, फेस कट देख, यही है। हाँ हाँ पिंकी की तरह लग रहा है, है ना? फेस फेस पिंकी है। तो फेस से ही पिंकी है, जिस्म तो एक जैसे ही होते हैं सबके। लेकिन इसके ये जो ब्राउन वाला आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंस से बनना है। हाँ यही है, जो इसके पिछवाड़े कलर ना वो बछड़े में, वो वाला बछड़ा था, वो पिछवाड़े में पुट जो बनी है। हम्म, अगर सदर जा रहा है, अगर सदर आया है, या 7-11 आया हुआ है क्या तू? यहाँ पे देखे बच्चिया सारी खड़ी हुई है मेरे ख्याल से वहाँ पे। भूसे का ट्रक उतर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ये मानी भाई भी आ गए, तो बच्चों की वीडियो वगैरह बना रहे हैं।
तो इंशाल्लाह देखते हैं, बात वगैरह करते हैं, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो। फिलहाल चल रहे कुछ बात वगैरह करते हैं। मानी भाई मुझे अपडेट देनी थी बुराक और नवाब के हवाले से, इनकी परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें। बुराक और नवाब दोनों जो है, और बुराक तो बहुत छोटा सा था, बस वो ये कि दूध के नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा पिटल पिटल हो रहा, जैसे आप लोग का पहले जो आप लोगों ने नवाब लिया था वो एग्जैक्टली सेम ऐसी कंडीशन में था जब वो बढ़ रहा था, जैसे ये कद पे जाएगा सही जब भरेगा अपने आप पर इंशाल्लाह। क्योंकि नवाब तो आपके साथ ही माशाल्लाह, नवाब को तो लंबी भी हो गया था अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इसको मंडी से हुआ था, इसको दो दाने ऐसे थे जो मैं थोड़े बड़े वाले थे, बाकी छोटे वाले थे, तो ये वो कि जल्दी रिकवर की तरफ चला गया, सेहत दोबारा से अपनी उठा लिया। अभी बुराक माशाल्लाह छोटे उम्र में, मैं भी उम्र में भी छोटा हूं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहेंगे इंशाल्लाह अच्छे जगह। बाकी खूबसूरती में तो उसका जवाब नहीं है कि जब भरे हुए जब जब दिखेंगे ना फिर इंशाल्लाह ब्यूटी। अभी तो वैसे भी 2024 वही 2-3 साल है इसके, अभी तो इंशाल्लाह 6 महीने का बच्चा है मेरे ख्याल में। हाँ वो रात 7 महीने का मुसीबत है भाई, क्योंकि वैक्सीन कराना भी ना कराना तो वैसे ही के भाई लमटी ना हो जाए, और कराने का कराओ के बाद ये मामला आ रहा है, ये जो है ना अजीब हम लोग समझते बाहर एलर्जी टाइप निकलना शुरू। अला ये उसी का साइड इफेक्ट है, फिर हम मार्च से मेरे बात हुई उन्होंने वाली कोई परेशानी की बात की एक है इसको, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट 2 दिन की लेनी है, फिर वो हमने वो किए हमने वो वापस सेट हो गए ऐसे ही शुरू। लेकिन तब तक मैं कुछ चीज़ें सीख चुका था, तो मुझे ये हुआ फिर बेनिफिट हो गया कि यार फिर अब फिर टैकल करना आसान हो गया, सब चीज़ें देख लेगी ना कि भाई क्या क्या हर्डल्स हैं इसमें, तो उसके बाद आसानी हो गई उनको सामान टेक केयर करने में। बाकी क्वारंटाइन वगैरह मैंने तो इग्नोर किया है, इसके अंदर साबित कोई फायदा तो नहीं करा, कोई भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता क्वारंटाइन का, कोई खास फायदा, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई खास फ़ायदा नहीं होता। और आपकी ना फिर वो क्या कहते हैं जानवर उल्टा जो है ना डिप्रेशन में, मैंने देखा चला हाँ, ऐसा ही होता है, खाना वाना जो है ना उसने और छोड़ दिया, फिर ये एक चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मुझे आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जजाक अल्लाह।